सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है, अभी 6:30 हुआ है और 7:15 7:15 और ये रहे पापा बहुत गंदी वाली, अभी गर्मियाँ शुरू हो गई है तो चाय पीने का। 7 बज चुके हैं और फिर भी आप लोग देख सकते हो कुछ ठंडा ठंडा व्यू ऐसा मत करो। छास के बिना खाने का मन, छास के बिना अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई ना तो छास के बिना खाने का मजा ही नहीं आता। मैं क्या करती हूँ आजकल, मैं कैसी छास बनाती हूँ देखो। दही है, साथ में मैंने ये हरी मिर्च और गार्लिक की पेस्ट डाली है, चाट मसाला है ये वाला, और थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, बस रेडी है। और पानी डाल के हम लोग मिक्स कर लेंगे। तो आजकल मैं ऐसी बना रही हूँ छास। आजकल ना गाइस छास के बिना खाने का मन ही नहीं करता है। लंच तो हम लोगों ने सुबह मॉर्निंग में ही रेडी कर लिया था, डेनिस भी टिफिन लेके जाते हैं और भाई और पापा भी टिफिन लेके जाते हैं। तो हम लोग लंच ना आजकल जैसे ही सुबह उठते हैं ना तो पहले चाय नाश्ते के साथ हम लोग अपना लंच रेडी कर लेते हैं ताकि वो लोग भी टिफिन में लेके जाए और हम लोगों का भी हो जाए, फिर बाद में जो है घर की डस्टिंग होती रहती है। बस लंच करने के लिए मेरा काम है तो फिर अपने काम पे बैठूंगी मैं। और एक तरफ मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा है क्योंकि अभी मुझे दही के लिए मतलब दही बनाना है तो मोरवन रेडी करना है। आई डोंट नो आप लोग क्या बोलते हो, हिंदी में क्या बोलते हैं, हम लोग तो मोरवन बोलते हैं। दूध को गर्म करके मुझे दही बनाना है, दही के लिए मोरवन इसके अंदर डालना है, मतलब कि चलिए अब आप लोग समझ गए होंगे। टाइम हो गया है चाय पीने का, शाम की चाय। आजकल मम्मी आ रहे, मम्मी को शाम को चाय चाहिए ही होती है, चाहे गर्मी हो या फिर विंटर हो या फिर समर हो, तो मम्मी को शाम को चाय डेली चाहिए, सुबह और शाम दो टाइम तो चाहिए ही। तो मेरे लिए भी बना दी। मैंने मम्मी को ना बोला कि कल से ना तू अपने लिए भी बनाना क्योंकि बहुत गंदी वाली अभी गर्मियाँ शुरू हो गई है तो चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, कुछ ठंडा ठंडा पियो ऐसा मन कर रहा है। बट आज मेरे लिए भी बनाई है तो पी लेते हैं। और हाँ पूरी दोपहर ना मुझे इतना सारा काम था बट आज पता नहीं क्यों बहुत लेजी फील हो रहा है। पूरा दिन मैंने काम बहुत था बट किया कुछ नहीं। वीडियो भी मुझे शूट करना था, सुबह से मैं प्लान कर रही हूँ कि बैठ जाऊँ वीडियो शूट करने के लिए बैठ जाऊँ, दोपहर को बैठूँगी शाम को बैठूँगी, करते करते पूरा दिन चला गया। और अभी तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। अब मैंने सोच लिया जैसे ही मैं सुबह मॉर्निंग में अपनी डस्टिंग वगैरह करके फिनिश होता है ना मेरा काम, तो जिस दिन मुझे शूट करना होता है ना तो अभी मैंने सोच लिया कि सुबह मॉर्निंग में ही मतलब सुबह में ही सावर लेके अच्छे से बैठ जाओ तभी काम हो पाता है। फिर दोपहर तक तो ना इतनी आलस आ जाती है ना, और खाना खाने के बाद तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। बस यही है। गुड इवनिंग गाइस। सो अभी बस डिनर की तैयारी हो रही है और कब से मैं फ़ोन चला रही थी और अभी मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, आँख बहुत दर्द कर रही है क्योंकि मैं पूरे दिन आज मोबाइल और फालतू का ही मैंने यूज़ किया, काम तो बिल्कुल ना के बराबर किया। और मैं और मम्मी ऐसे ही अभी गैलरी में बैठे हैं,
मैं मम्मी के साथ बैठी गैलरी में। यहाँ पे शाम के टाइम बहुत अच्छा लगता है। मम्मी क्या कर रही है ये दिखाओ। ये रही मम्मी। मम्मी कल की तैयारी कर रही है सब्जी की, कल क्या बनाना है। और कुछ नहीं, मुझे लगा आप लोगों के साथ छोटी सी अपडेट शेयर कर देनी चाहिए। मैं सोचती हूँ डेली डेली क्या क्या आप लोगों के साथ शेयर करूँ, मतलब वही रूटीन, जो रूटीन है वही आप लोगों को दिखाऊँ ना। तो डिनर तो हमारा रेडी हो गया है, क्योंकि मम्मी और मैं हम दोनों मिलके जल्दी ही बना लेते हैं। 6:30 सात बजे तक हमारा डिनर रेडी हो जाता है और 8:30 बजे हम लोग खा भी लेते हैं। और अभी कितना टाइम हुआ है, 7 बज चुके हैं और फिर भी आप लोग देख सकते हैं। वैसे अंधेरा होने वाला है बट 7 बजे भी अभी काफ़ी अच्छी सनलाइट है ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है, अभी 6:30 हुआ है, सॉरी 7:15 बजे, 7:15 होने वाले हैं। और मैं पी रही हूँ अपनी चाय और ये रहे पापा। पापा गुड मॉर्निंग तो बोलो, पापा गुड मॉर्निंग तो बोलो। और हम लोग लंच की तैयारी कर रहे थे, लंच हो गया है। डेनिस भी चले गए ऑफिस, डेनिस जल्दी चले जाते हैं, 6:30 तक तो चले जाते हैं, क्योंकि उनका ना फिर वहाँ से सूरत जाना होता है तो 1 घंटे का रास्ता है, इसलिए वो जल्दी चले जाते हैं। तो हम लोगों ने रोटी सब्जी दाल चावल सब कुछ बना के रेडी कर लिया है। मम्मी आई थिंक सावर लेने के लिए गई है और मैं एंजॉय कर रही हूँ अपनी बालकनी में चाय गरम गरम अदरक वाली। बस अभी अपना जो है रूटीन स्टार्ट करेंगे, एडजस्टिंग वगैरह करेंगे, फिर आज मुझे करना है शूट। और मैं गाइस कैसे बैठी हूँ दिखाऊँ क्या आप लोगों को। मैंने अपना पूरा ब्लैंकेट वगैरह लपेट के बैठी हूँ क्योंकि मुझे ना ठंडी लग रही है। यहाँ पे मॉर्निंग में सुबह सुबह ना बहुत एकदम ठंडी ठंडी वाली हवा आती है, मुझे यहाँ पे बैठना भी था, ठंड भी लग रही थी, तो मैं अपना ब्लैंकेट लेके आ गई। और पापा अपना मोबाइल चला रहे हैं। गाइस कल रात को फिर पता नहीं क्या हो गया था, पापा भाई सब लोग आ गए थे ना, तो मैं अपने काम में बिज़ी हो गई थी और मुझे ना एक ब्रांड को वीडियो भी देना था, तो उस चक्कर में मैं ना बिज़ी हो गई थी, इसलिए मैं आप लोगों को डिनर वगैरह कुछ नहीं दिखा पाई। तो बस यही रीज़न था, इसलिए मैंने आप लोगों को कल डिनर वगैरह कुछ नहीं दिखाया। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ही जाएगा, चैनल पे नहीं आए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द नए वीडियो में। और आप लोगों को व्यू दिखाऊँ कब, इतनी अच्छी मतलब जो बर्ड की आवाज़ आ रही है सुबह सुबह मॉर्निंग में, जो मतलब मज़ा है ना यहाँ पर बैठने का, बहुत अच्छा फील होता है। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।